नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे नामा के ऊपर, नामा नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एसेस, और फिर बाद में छोटी सी बात मैं आपसे करूंगा ट्रिम्स के ऊपर, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। तो ये दोनों ही छोटे छोटे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों WTO रिलेटेड इश्यूज में आप समझ रहे थे कि WTO ये चाहता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फ्री एंड फेयर ट्रेड हो। WTO ये चाहता है कि वस्तु और सेवाओं का निर्वाध प्रसार हो, मार्केट ओपन हो और लोग अपने नेचुरल इफिशियंसी के अकॉर्डिंग, नेचुरल कैलेबर के अकॉर्डिंग व्यापार करें, ट्रेड करें। ट्रेड मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम के आधार पे हो, न कि बायलेटरल, जिससे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्रोडक्शन ज्यादा हो, इफिशियंसी बढ़े और लोगों का अंत में वेलफेयर भी बढ़े। तो दोस्तों इसी क्रम में मैं आपसे बात करूंगा नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एसेस। बेसिकली आप देखेंगे कि दोहा डिक्लेरेशन के बाद ये काफी चर्चा का विषय बना। यहां पे चर्चा ये थी कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है और जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उनके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रेड को स्मूथ किया जाए, इनके ऊपर टैरिफ के जो रेट है, टैरिफ के रेट है उसको रेगुलेट करें, मिनिमाइज करें, जिससे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का भी मार्केट एसेस हो सके, साथ ही साथ प्राइमरी प्रोडक्ट है उसका भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में मार्केट एसेस हो सके, बाजार खुल सके। तो कुल मिला जुला के नाम से ही देखिए, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एसेस ऐसे वस्तुओं को बाजार पहुंच देना जो कृषि से संबंधित नहीं है, मतलब जो नॉन फूड स्टफ्स हैं, ऐसे नॉन फूड ग्रेन्स जो चीजें हैं उनका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किस तरीके से व्यापार हो, किस तरीके से ट्रेड हो, जिससे कि कम से कम टैरिफ लगे, जिससे कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्रोडक्ट का मार्केट एसेस आसानी से हो सके, ये WTO चाहता था। एक्चुअली में दोस्तों अगर आप नामा की बात करेंगे तो एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ से संबंधित है, मतलब या तो टैरिफ को एलिमिनेट किया जाए या फिर इसको रिड्यूस किया जाए। इसका मतलब एलिमिनेशन या फिर रिडक्शन ऑफ टैरिफ से संबंधित है। और बेसिकली जो ये प्रोडक्ट है नामा के अंतर्गत वो या तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है या फिर वो प्राइमरी प्रोडक्ट है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि ये दोनों ही प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के साथ जो WTO में समझौता है AOA जिसके विषय में मैं बात कर चुका हूं उसमें संबंधित नहीं थे। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो संबंधित नहीं करता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिसपे मैंने क्लास ले चुका है, और साथ ही साथ प्राइमरी कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो उसपे सम्मिलित नहीं होता है। अगर आप कहोगे नामा तो बेसिकली इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो बिल्कुल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसको रखा गया है, साथ ही साथ फ्यूल एंड माइनिंग को रखा गया है, तीसरा फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट है और फॉरेस्ट एंड प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोडक्ट है। तो कुल मिला जुला के जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रेड है किस चीज का ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का। जो भी चीजें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में मैन्युफैक्चर्ड हो रही हैं, आप जानते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो चीज है वो कहीं भी चीजें प्रोड्यूस हो और प्रोड्यूस होने के बाद कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, कि जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज के जो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और साथ ही साथ उनका कहीं भी कंजम्पशन हो सकता है, जिसमें चीजें मोबाइल होती हैं, मतलब ये जो टी शर्ट मैं पहना हूं, ये टी शर्ट बना बेंगलुरु में और मैं इसे इलाहाबाद या लखनऊ में यूज कर रहा हूं, ये मेरे हाथ में जो मार्कर है ये नोएडा में बना और मैं इसे इलाहाबाद में यूज कर रहा हूं। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं ये मैन्युफैक्चर्ड है, आप अधिकांश चीजों के ऊपर देखते होंगे आपके पास मोबाइल है, कैमरा है, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर्ड है, तो ये बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है उसके ऊपर किस तरीके से टैरिफ को रेगुलेट किया जाए, मिनिमाइज किया जा सके ताकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसकी मार्केट एसेस हो सके, ये बहुत बड़ी एक चैलेंज के रूप में सामने थी। इसलिए चैलेंज के रूप में सामने थी कि कई बार आप देखते हो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के ऊपर कई देश 1000% टैरिफ लगा देते थे। लाइक एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने एक कैनन का कैमरा खरीदा और ये कैनन का कैमरा मान लो कि ये जो है साउथ कोरिया की है, अब ये साउथ कोरिया की जो कैमरा है वहां पे मान लो थी 30,000 की और गवर्नमेंट अगर मान लो यहां पे 200% टैक्स लगा दे तो यहां पे 90,000 के आगे बिकेगी। तो जो ऐसे प्रोडक्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर टैरिफ रेगुलेट किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए ताकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसके आसानी से ट्रेड हो सके। तो एक तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो गए दोस्तों, दूसरा फ्यूल और माइनिंग
की भी जो चीजें हैं उसका किस तरीके से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रेड हो, और साथ ही साथ उसको टैरिफ को किस तरीके से रिड्यूस करें, एलिमिनेट करें, उस पर रखा। फिश रिलेटेड प्रोडक्ट का मतलब है मैराइन प्रोडक्ट है, ब्लू ग्लीन एल्गी है, समुद्री उत्पाद है जिसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रेड होता है उस पर किस तरीके से टैरिफ रिड्यूस करें, और फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट की। देखो जब टैरिफ घटाने की बात हो रही थी मुख्य मुद्दा यह था नामा का कि जो किस तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और कुछ प्राइमरी प्रोडक्ट हैं इनके टैरिफ को रेगुलेट किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। तो यहां पे डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बीच काफी डिबेट हुआ, काफी खींचातानी हुई। प्रत्येक देश चाहता था कि उसको बेनिफिट हो, लेकिन नामा में इन प्रोडक्ट को टैरिफ किस तरीके से रिड्यूस करें ये एक हरकुलियन टास्क था। आपको मैं बताऊं कि नामा के लिए जो एक सहमति पे जो लोगों ने विचार किया था वो था स्विस फार्मूला, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्विस फार्मूला बेसिकली जो है ये बताता है कि किस तरीके से एग्री इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट या फिर जो नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसका जो है टैरिफ किस तरीके से एलिमिनेट किया जाएगा। तो कभी भी अगर आपसे स्विस फार्मूला के ऊपर बात करें तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि स्विस फार्मूला ये बताता है कि जो एग्रीकल्चर के अतिरिक्त जो गुड्स हैं उस पर किस तरीके से टैरिफ रिड्यूस करना है, इसके ऊपर स्विस ने एक फार्मूला दिया था, स्विट्जरलैंड ने एक फार्मूला दिया था जिसको आप स्विस फार्मूला कहते हो। तो स्विस फार्मूला जो है एक मैथमेटिकल फार्मूला है जो बताता है कि टैरिफ को किस रेट से रिड्यूस किया जाएगा। देखिए इसका फार्मूला है टी न्यू, जो नया वाला टी है जो इसे इंप्लीमेंट करना है हमको, टी न्यू इजकल टू ए मल्टीप्लाई बाई टी ओल्ड ए प्लस टी ओल्ड। अब बहुत ध्यान से सुनिए, टी जो न्यू है ये वो टैरिफ है जिसे हमको इंप्लीमेंट करना है, जिसको अब मुझे लगाना है, इंप्लीमेंटेशन जिसका करना है, और टी ओल्ड वो टैरिफ है जिसे अब तक हम लगा रहे थे। टी ओल्ड वो टैरिफ है जिसपे हम लगा रहे थे। ये जो है एक कोफिशियंट है जिसके ऊपर हमको बात विचार करके जो हमको मैक्सिमम रेंज पे लेके आना है टैरिफ की कटौती। जैसे मान लो कि डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज चाहते हैं कि जो कटौती हो वो 25% की हो, तो जो A कोफिशिएंट हो गया, मान लीजिए कि वो 25% की मैक्सिमम कटौती की बात हो रही है, A की मान लीजिए कि 25% की रिडक्शन की बात हो रही है, कि हम चाहते हैं कि 25% ये जो है कोफिशिएंट रहेगा डीसीज और एलडीसीज के लिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये बहुत यहां डिबेट का इशू रहा है कि जो कोफिशिएंट है वो डीसीज के लिए अलग होगा, एलडीसीज के लिए अलग होगा। जैसे मान लीजिए कि डीसीज और एलडीसीज ने ये विचार विमर्श किया कि जो हमारा कोफिशिएंट है वो 25% है, ये मैक्सिमम लेट है कटौती की। अब बहुत ध्यान से सुनो, जैसे मान लो कि कोई एक देश है, अब वो 6000% की टैरिफ लगा रहा है, मतलब जो उसके वहां टी ओल्ड है वो 6000% के, मतलब वो 6000% टैरिफ लगा रहा है। अब इस फार्मूला से वो कितनी टैरिफ रिड्यूस करेगा इसको आपको निकालना है। तो जो न्यू वो टी वो लगाएगा, टी जो है न्यू, वो फार्मूला दोस्तों होगा ए तो 25% है प्लस टी मल्टीप्लाई बाय टी ओल्ड, तो टी ओल्ड उसका जो है कितना है 6000 है, और ये जो है डिवाइडेड बाई ए का मतलब 25 और प्लस टी ओल्ड जो है फिर हो गया 6000। तो ये आपका आंसर आ जाएगा अगर आप इस फार्मूला से देखोगे तो 24.9%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी देश की जो मैक्सिमम टैरिफ है अगर वो बहुत इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो ये जो आपका न्यू टैरिफ आएगा वो बिल्कुल इस कोफिशिएंट के पास आएगा। जितना ज्यादा इसकी वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, 10,000 कर लो उसके ऊपर जाओगे, तो ये हमेशा 25 के एकदम पास आ जाएगा। इसका मतलब जो ज्यादा टैरिफ लगा रहे थे वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर पे करना पड़ेगा, उतना आपको टैरिफ रिड्यूस करना पड़ेगा। अब दूसरा इसी चीज को देखो, अगर कोई देश कम रेट से टैरिफ लगा रहा हो, जैसे ये फार्मूला मैं ये कहता हूं कि कोई एक ऐसा देश है जो सिर्फ 64% की रेट से टैरिफ लगा रहा है, मान लीजिए कि कोई दूसरा देश है, ये कंट्री बी है और ये कंट्री बी जो है 64% की रेट से टैरिफ लगा रहा है, तो अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, टी जो न्यू आप निकालोगे तो टी न्यू हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 64 और डिवाइडेड बाई 25 प्लस 64, तो इसका जो टैरिफ रेट आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 18%। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो देश टैरिफ कम लगा रहा है उसको रिडक्शन कम करना है। अगर कोई देश यहां पे आपको मान लूं कि सिर्फ जो है 3% टैरिफ लगा रहा होगा तो उसकी जो कटौती रेट अगर आप इस फार्मूला में रखोगे तो 2.4 या 2.3 आएगा। इसका मतलब ये था फार्मूला कि जो देश
ज्यादा रेट से टैरिफ पहले से ही लगा रहे थे, उनको मैक्सिमम लिमिट पे टैरिफ रिड्यूस करना था, और जो देश कम रेट से टैरिफ लगा रहे थे उनको कम रेट से यहां पे रिड्यूस करना था। तो ये जो फार्मूला था दोस्तों, स्विस फार्मूला, वो बेसिकली ये था कि जो देश ज्यादा रेट से टैरिफ लगा रहे हैं वो बिल्कुल कोफिशिएंट के पास होंगे, और जो कम टैरिफ लगा रहे हैं बिल्कुल वो कोफिशिएंट के नीचे होंगे, बहुत कम होगा, वो जीरो की तरफ होगा। कहने का मतलब आप ये समझिए कि जिन देशों का जो टी ओल्ड है वो इनफाइनाइट की तरफ अगर जाए तो वो हमेशा जो है उस कोफिशिएंट के पास जाएंगे, और अगर किसी देश की टैरिफ रेट जीरो की तरफ जाए तो हमेशा जो है उनका जो टैरिफ रिडक्शन जो है बिल्कुल कम होगा, जीरो के पास होगा। तो कुल मिला जुला के हाई जो टैरिफ लगाएंगे उनको बहुत ज्यादा कटौती करनी है, जो कम टैरिफ लगाएंगे उनको बहुत कम कटौती है। तो ये दोस्तों इश्यूज था नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एसेस का, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो कृषि से संबंधित नहीं है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट है, उनके ऊपर किस तरीके से हम टैरिफ को एलिमिनेट करें, इससे ये पूरा का पूरा मामला संबंधित है नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एसेस का, और ये इस पे क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। देखिए एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है, ट्रिम्स का एक इश्यूज है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर, इस पे भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कंपटीशन में, लेकिन ये कोई ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है कि जिसको हम अलग से कवर करेंगे, तो आपको मैं इसी में बता दे रहा हूं ट्रिम्स क्या है। ट्रिम्स देखिए, ट्रिम्स है, ट्रिम्स पे हमने पूरा एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा। यहां पे मैं बात कर रहा हूं ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर्स ट्रिम्स, ये है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर, मतलब व्यापार से संबंधित निवेश मानक क्या है। देखिए आप जानते हो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अब इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, FDI बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डेवलप्ड कंट्रीज दूसरे देश में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, कोई भी देश चाहता है कि हमारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाए, वहां जाके बिजनेस करें। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर ये कहता है कि जो आपकी घरेलू कंपनियां हैं और जो फॉरेन कंपनियां आपके वहां आ रही हैं ट्रेड करने, उसके बीच आप किसी तरह का दोराव मत करें, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होना चाहिए। जो आपकी कंपनी है और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के आपके वहां आई हुई कंपनी है, दोनों के बीच एक ही पॉलिसी मीजर्स को आप एडॉप्ट करिए, एक ही पॉलिसी मीजर्स को आप लेके आएंगे, जिससे दोनों कंपनियों के बीच किसी तरह का अंतर आप न करें। जैसे मान लो कि पतंजलि भारत से US में जाती है और वहां पे भी एक जो है कंपनी है जो इसी के रिलेटेड प्रोडक्ट को सेल कर रही है, मतलब वहां पे जो है भी एक कंपनी जो है पतंजलि लाइक प्रोडक्ट को सेल करिए, तो नियम यह कहता है कि अमेरिका जो है पतंजलि कंपनी और उनकी कंपनी के बीच किसी तरह का वैमनस्य नहीं करेगा। इसी तरह मान लो कि भारत है और भारत में जो एप्पल मोबाइल आ रहा है, अगर कोई और मोबाइल यहां पे बनता एप्पल लाइक, तो दोनों के बीच किसी इस तरह का आप जो है दोराव नहीं करते, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं अडॉप्ट करते। कुल मिला जुला के जो निवेश रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रहा है उसके ऊपर आप अनर्गल तरह के टैक्स नहीं लगाओगे, उनके ऊपर आप डिफरेंट टाइप्स के कंडीशंस नहीं लगाओगे। कई बार आप देखते हो जो FDI आती है वो कंडीशनल्स होती है, हम बोलते हैं कि वो FDI आएगी और 50% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी, FDI आएगी और सारा का सारा जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट रॉ मटेरियल के रूप में हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी से परचेज करेगी। तो ये जो बताता था ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो इन्वेस्टमेंट है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ओपन हो, फ्री हो, फेयर हो, तो किसी तरीके का यहाँ पे वैमनस्यता ना हो, दोनों के बीच किसी तरह का आप डिस्क्रिमिनेशन ना करें, दोनों के बीच किसी तरह का अंतर स्थापित ना करें, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जो फॉरेन कंपनियां आपके वहां आएंगी उनके प्रॉफिट के ऊपर आप ऐसे ही टैक्सेशन करोगे जैसे आप डोमेस्टिक कंपनियों के ऊपर करते हो, उनके ऊपर किसी तरह के ऐसे कंडीशंस इंपोज नहीं करोगे जो कि उनको किसी ना किसी तरह से प्रॉफिट को कम करता है या फिर जो है उनको किसी तरह के प्रॉब्लम में डालता है। साथ ही साथ उनको किसी तरह का आप इस तरह की बाध्यकारी पॉलिसीज लेके नहीं आओगे जो कि डिस्क्रिमिनेशन एस्टेब्लिश करता है आपके कंपनियों के बीच और उस कंपनियों में। कुल मिलाजुला के दोस्तों WTO चाहता यह है कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फ्री एंड फेयर ट्रेड हो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो गेम है ट्रेड का वो सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे हो, सबके लिए खेल के नियम बराबर होने चाहिए, सब लोग एक ही तरह के विकेट के ऊपर खेल खेलें, सबके लिए एक ही नियम होगा। अगर विराट कोहली एक बार में बोल्ड मान लिया जाएगा तो यह भी मान लिया जाएगा कि जो कि स्मिथ भी एक ही बॉल पे बोल्ड माना जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि विराट कोहली दो बॉल पे बोल्ड माने जाएंगे और स्मिथ जो है एक बॉल पे बोल्ड मान लिए जाएंगे। सेम लेवल प्लेइंग फील्ड, सबके लिए खेल का नियम एक होना चाहिए, एक कॉमन अम्ब्रेला के बीच सभी को लाया जाए जिससे फ्री एंड फेयर ट्रेड हो सके। तो WTO रिलेटेड इश्यूज पे हमने काफी चर्चा की है दोस्तों।
मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि एग्जाम आपके बिल्कुल पास आ गया है, और जब एग्जाम आपके पास होता है तो आप डरते हैं, और ये डरना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब मैं आईएएस का इंटरव्यू देने गया था तो मैं बहुत ज्यादा डरा था, और वहां पे आरएसएस की तरफ से एक संकल्प में मैंने देखा था कि एक जो है बड़ा अच्छा सेमिनार हुआ था, और एक सीनियर आईएएस बोलने के लिए बुलाए गए थे वहां पे। लोगों को उन्होंने काफी अच्छा संबोधित किया, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज हमसे बताई शेयर की, जो बहुत अच्छा मुझे लगा कि जब भी आप किसी बड़े काम के लिए जाते हो और आपको डर लगता है तो वो डर लाजमी है और अच्छा है, क्योंकि उससे एक मानसिक लेवल पे एक ऐसा जो है आप देखोगे हार्मोनिक सेक्रेशन माइंड में होता है जो आपके माइंड को और शार्प कर देता है, जिससे कि आप ज्यादा इफिशियंट हो जाते हो। आप देखते हो एग्जाम में आप इतनी तेजी से चीजों को रिवाइज करते हो, इतनी तेजी से नए नए चीजों को सीखते हो, और पूरे साल उसी चीज को पढ़ते हो तो सीख नहीं पाते हो। तो ये क्या है, ये हार्मोनिक सेक्रेशन है जो आपके माइंड को शार्प कर देता है, अच्छा कर देता है। आप जल्दी से चीजों को पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, तो ये तो अच्छा है। डरिए, डर लगना चाहिए, अगर आप डरेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। लेकिन डर इतना भी नहीं होना चाहिए कि डर आपके ऊपर हावी हो जाए और आप जो है अपना अच्छा परफॉर्मेंस ना करें। तो डरिए, डर जरूरी है, लेकिन उतना नहीं डरना है कि आप जो है उससे प्रॉब्लम में आ जाए, आप समस्याएं बढ़ जाए। तो दोस्तों, बी पॉजिटिव रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमेशा याद रखिए कि माता पिता का आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है। सुबह उठिए, माता पिता का पैर जरूर छुइए। भगवान है या नहीं है इसके ऊपर डिबेट हो सकता है, लेकिन इस दुनिया में भगवान है और वो आपके गार्जियन है। उससे बड़ा कोई भी भगवान नहीं है, उनका कभी भी दिया हुआ आशीर्वाद खाली नहीं जाता है। उनसे आप आशीर्वाद लीजिए, हमेशा आशीर्वाद लीजिए। जो भी आशीर्वाद देते हैं बड़े मन से देते हैं, हमेशा आपका कल्याण होता है। तो दोस्तों, अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास करिए, बी कॉन्फिडेंट, आप ही करेंगे और ये आप ही से होगा। बस ये विचार अपने मन में रखिए कि ये मैं करूंगा, और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, कुछ थोड़ा सा करना शुरू करो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डू समथिंग बेटर देन थिंक मोर एंड मोर। थोड़ा सा करने का प्रयास करिए, बहुत ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है चीज़ों को शुरू किया जाए। कई बार आप चीज़ों को शुरू ही नहीं करते हो, बस चीज़ों को शुरू करो। ये मत देखो कि परफेक्शन आएगा या फिर नहीं आएगा, परफेक्ट दुनिया में कोई नहीं है, परफेक्शन के साथ कोई नहीं करता है। इसलिए जो कुछ है उसको करना शुरू करिए। आप इस चीज में क्यों लगे रहते हैं कि मैं जो भी करूंगा एकदम परफेक्शन से करूंगा, वो किसी से नहीं होता। इसलिए आप अच्छा करिए, आप करते रहिए। लर्निंग बाय डूइंग मॉडल है, आप करेंगे, सीखेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।